हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सर्दियों की जान गाजर की हलवा की रेसिपी। ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद है और साथ ही साथ इसे बनाना बहुत आसान और ये विटामिन से भरपूर होता है, तो बच्चों को जरूर बनाकर आप सर्दियों में दीजिए। ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत लजीज लगता है। इसे आप कम समय में घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो हमने इधर लिया है एकदम लाल लाल ताजे गाजर, जो बाजार में सर्दियों के मौसम में मिल जाते हैं। तो इसी से बनाने वाले हैं आज गाजर का हलवा। और आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके आप बना सकते हैं। कुकर में सीटी लगा लीजिए तो गल जाएगा, या फिर आप मिक्सी जार में इसे ऐसे ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन आज हम कद्दूकस करके बनाएंगे, तो इसे चलिए इसका पीछे का पार्ट जो है हम कट कर लेंगे। हमारा लगभग गाजर 1 केजी के अनुसार है, आप चाहें तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हम ऐसे आगे का और पीछे का पार्ट कट कर लेंगे और कट करके इसे 2 टुकड़ों में कर देंगे और करके इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो लीजिए, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने इधर गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसे गर्म कर ले रहे हैं। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं बटर। आपके पास जो अवेलेबल हो घी या बटर वही डालिए। अब इसी के साथ हम इसमें अपना डाल देते हैं घिसा हुआ गाजर। कोशिश करें कि घी में ही गाजर के हलवा बनाए, इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी होता है। और सर्दियों में घी में गाजर का हलवा बनाने से बहुत फायदा होता है। अभी क्या करें कि गैस का फ्लेम हाई ही रहने दे और इसी के साथ आप 2 से 3 मिनट तक इसे भून ले, ताकि इसका गाजर का कच्चापन है जो निकल जाए। तो लगभग हमारा 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो चुका है। तो अब हम यहीं पे क्या करेंगे कि फुल क्रीम वाला दूध 1 कप के अनुसार हम इसमें डाल देंगे। और यहीं पे हम क्रश किया हुआ 3 इलायची डाल रहे हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पे हम डाल रहे हैं 1 कटोरी 100 ग्राम के अनुसार चीनी। आप जितना मीठा खाते होंगे उतना डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। गाजर का हलवा सर्दियों की जान होती है। सर्दियों में गाजर का हलवा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये इतनी बेहतरीन मिठाई है, तो बस इसे आप लोग भी अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत बेहतरीन लगता है। अच्छा, तो यहीं पे हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, बादाम और काजू। और यहीं पे हम डाल रहे हैं किशमिश। और हमने लिया है थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी हम डाल देते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट वही डालें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हम डाल रहे हैं वही आप भी डालिएगा। कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत स्वादिष्ट होता है। और इसे चलाते हुए हमें पकाना है। अब हम क्या करेंगे कि अपने गाजर को ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और 10 से 12 मिनट हमने कहा है, तो आप 10 से 12 मिनट बाद खोलकर मत देखिएगा, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। तो हमारी गाजर को कुक होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसी में क्या करेंगे, इधर हमने लिया है 100 ग्राम मावा, तो इसे हम डाल देते हैं। आप चाहें तो बिना मावा के भी बना सकते हैं, तो इसे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून के अनुसार मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी स्वाद बढ़ जाती है। ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप अगर मावा नहीं डालते हैं तो आप मिल्क पाउडर भी डालेंगे, तो इससे भी एकदम मावे के जैसा टेस्ट आने वाला है। तो इसे भी हम डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, आपको बता नहीं सकते हैं। इसे आप लोग अपने घरों में जरूर बनाइए। ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है और सर्दियों के मौसम में बच्चों को खिलाइए। एकदम ये विटामिन से और फाइबर से भरपूर होता है। ये एकदम होटल में जैसे मिलता है और ढाबे में, वैसा ही एकदम खुशबू आ रहा है। और खाने में भी टेस्ट इसका एकदम वैसा ही होने वाला है, 100% जैसे होटल में मिलता है। बहुत ही परफेक्ट हुई है हमारी गाजर की हलवा।
तो बस इसे थोड़ा सा और भूनना है। तो देखिए हमारा पानी एकदम गाजर का सूख चुका है, तो यहीं पे हमारा गाजर का हलवा एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए आपको सर्व करते हैं, दिखाते हैं। इसे आप किसी बॉल में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म एकदम सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस लगता है। तो लीजिए हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। अब हम इसी पे थोड़ा ड्राई फ्रूट गार्निशिंग कर लें। तो इसे में बादाम और काजू से आप गार्निशिंग कर लीजिए। हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।